कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.3 निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसका प्रश्न नंबर 2 है 5t-3 = 3t-5। तो जैसा कि हमने पिछले सम में किया था, हम t वाली या जो भी चरें होंगी उन्हें एक साइड पर रख देंगे। ये बीच में हमने बराबर का निशान डाला, जो चर है उसे हम एक तरफ ले आएंगे। जैसे यहाँ पे आप चर देख रहे हैं, यहाँ t वाली रकम है, यहाँ भी t वाली रकम है, इनको एक तरफ। 5t यहाँ पे लेफ्ट साइड पर ही है, इसे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। 3t यहाँ राइट साइड पर है। जब ये उधर जाएगा, इससे पहले कोई निशान नहीं है, यानी कि ये प्लस है। जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3t। अब यहाँ पर बिना t वाली रकमों को हम राइट साइड पर इकट्ठा कर लेंगे। राइट साइड पर -5 पहले से है, ये -3 है। जब ये उधर जाएगा तो इसका भी साइन चेंज होगा, उधर मतलब बराबर के उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -3 है, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। इसे अब हमें हल करना है। देखिए ये है 5t-3t, 5t में से 3t माइनस कर दिए, बाकी बच गए 2t बराबर। यहां है माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस किया 2, साइन बड़ी रकम का, दोनों में से 5 बड़ी रकम है, इसके साथ निशान है माइनस का, तो इसके साथ भी 2 के साथ भी निशान आ जाएगा माइनस का। अब हमारे पास t किसके बराबर होगा, बराबर के नीचे बराबर का निशान आता जा रहा है, यहां पर है -2, इधर t के साथ गुना हो रहा है 2, जब उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा यानी कि भाग हो जाएगा। यहाँ गुना हो रहा था, यहाँ आके ये वाला 2 भाग हो गया। जब ये भाग हो गया तो देखिए 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, इसका मतलब हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कितनी आ गई, -1, ये t की वैल्यू आ गई है हमारे पास, t का मान आ गया है हमारे पास -1। अब हमें करनी है अपने उत्तर की जांच। जांच के लिए हम क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे, 5t-3 = 3t-5। अब हम इसे हल करके देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो इसमें जहां जहां भी t है उसकी जगह पे -1 लिखेंगे, 5 × t की जगह -1, आगे है -3 = 3, t की जगह -1 - 5। इसे अब हम हल करने जा रहे हैं। देखो 5 को 1 से गुना किया, 5 + (-), आगे है -3 = 3 को 1 से गुना किया, 3 + (-), आगे है -5। तो देखने से भी पता चल रहा है, मगर हम इसे आगे भी हल करेंगे। देखो -5 - -3 - -+5 + 3 = 8, 7 में साइन माइनस का, यहां पर -5 + 5 + 3 = 8, 7 में साइन माइनस का। तो देखिए यहां पर भी आया है -8 और यहां भी आया है -8, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः सिद्ध हुआ कि हमारा उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने t की वैल्यू को हल किया, t वाली रकमें एक तरफ, बिना t वाली रकमें दूसरी तरफ करके इसे t की वैल्यू आई। जांच के लिए प्रश्न में ही हमने t की जगह पर जो t की वैल्यू आई थी -1 वो रखी, इसे हल किया और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। आइए हम इसका एक और भाग देखते हैं। यह है 5x + 9 = 5 + 3x। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, यहां x वाली रकम है और ये x वाली रकम है। ये बराबर का निशान पहले डाला, 5x यहां पहले से है, 3x यहां प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब इधर देखिए, ये 5 यहां पहले से बैठा है, प्लस 9 इधर है, ये x के साथ प्लस माइनस हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो ये उधर चला जाएगा। उधर जाने के लिए ये प्लस 9 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा -9। 5x में से 3x निकाल दिया, 2x बराबर +(-). 9 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आया 4, 7 में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 9, इसके साथ साइन है माइनस, तो यहां भी आ जाएगा माइनस।
अब x की वैल्यू हो जाएगी माइनस चार, दो इसके साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग। अब हम क्या करेंगे, चार और दो को देखेंगे कटते हैं, हाँ बिल्कुल कटेंगे, दो एकम दो, दो दुनी चार, तो माइनस दो को जब एक से भाग करेंगे तो आ जाएगा माइनस दो। इसका मतलब हमारे x का मान आ गया है माइनस दो, x का मान आ गया है माइनस दो। अब हम इसे जांच करेंगे, जांच कैसे करेंगे, जो हमारा प्रश्न था 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, इसमें हम x की जगह पे भरेंगे माइनस दो, तो ये आ गया x की जगह माइनस दो, आगे है प्लस 9, यहां x नहीं है ऐसे ही लिख दो, बराबर ये 5 है ऐसे ही लिख दिया, प्लस ऐसे ही लिख दिया, 3 ऐसे ही लिख दिया, x की जगह लिखेंगे माइनस दो एक्स, हमने अभी माइनस दो निकाला है ना। इसे हल करके देखते हैं, 5 दूनी 10 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 9 ऐसे ही उतार दिया, यहां है 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूनी 6, आगे देखिए प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 माइनस किए 1, साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 10, उसके साथ निशान है माइनस, यहां पर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस कर दिया, सॉरी 6 में से 5 माइनस किया 1, साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है माइनस, तो देखिए यहां भी आया है माइनस, यहां भी आया है माइनस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः हमारा उत्तर सही है। यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होती तो इसका मतलब हमने कहीं गलती की होती, लेकिन अभी हमारा उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आए होंगे, इसके बाकी प्रश्न आप स्वयं हल कीजिए।